कमलापुर नाम का एक गांव था जहां पर लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की माँ बचपन में ही गुजर जाने की वजह से लक्ष्मण ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा के घर आने से लक्ष्मण बहुत खुश था। उसे लगा कि रीमा को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाने लगी, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि अपने पैर और हाथ दबवाती। अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं रखती थी वो। सारा काम रीमा से ही करवाती थी। लक्ष्मण को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। अभी तक सो रही है, उठ जा, कितने सारे काम पड़े हैं। दिन भर घर पे बोझ बन के बैठती है और काम तो तिनके भर का भी नहीं करती है। सुबह सुबह आप मुझे कुछ मत बोलिए, दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जबान चलाने में तो कोई तुमसे जीत नहीं सकता। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं ये सारी बातें बताती हूँ उन्हें। बताओ बताओ, मैं क्या उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुँह कह दूंगी, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। पहले आने तो दे, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी उल्टी शिकायत कर दूंगी कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो, ना किसी काम की ना काज की, सहन करने की भी कोई बात होती है? लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो, आने दो पिताजी को। शाम के वक्त लक्ष्मण मायूस होकर घर आया। लक्ष्मण का लटका हुआ चेहरा देखकर शिल्पा ने कहा, क्या हुआ, आप तो मायूस लग रहे हैं, कुछ बात हो गई क्या, या किसी ने कुछ कह दिया आपको? रीमा, जाकर पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मालिक ने हमें काम से निकाल दिया है। ये हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कई पुराने और नए नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई, आप तो वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं, अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे भगवान। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे, इसी का उपयोग करके कुछ व्यापार खोलना होगा। पिताजी, क्यों ना हम वड़ा पाव का व्यापार खोले, ये वड़ा पाव का व्यापार चल जाएगा। मैंने देखा है कि वड़ा पाव का व्यापार बहुत ही सस्ता और अच्छा होता है और लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है, और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। व्यापार से क्या होगा, आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बढ़िया, आई वड़ा पाव की व्यापार करने वाली, जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है, वड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा, मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी पिताजी, इस व्यापार में आपकी मदद चाहे कोई करे या ना करे, पर मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने पति का काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली है, सारे काम मुझसे ही करवाएंगी आप, सब जानती हूँ मैं। रीमा की बातें सुनकर लक्ष्मण वड़ा पाव का व्यापार शुरू कर देता है। यहाँ भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। लोगों को वड़ा पाव देने से बड़े बड़े बर्तन साफ करवाने तक का काम रीमा ही करती है। शिल्पा तो बस रानी की तरह वहाँ पर बैठी रहती है। पूरे एक महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण चाहता था कि रीमा का बस स्कूल में दाखिला करवा दे, तब शिल्पा ने कहा, नए स्कूल स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और वड़ा पाव का ठेला खोल देना चाहिए, रीमा अगले साल भी तो पढ़ सकती है। हुँ? और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? हुँ? अगर हमारा बच्चा होता तो क्या आप उस पर भी इतना ध्यान देते? अरे मुझे पता है कि सारा का सारा काम वही दुकान पर करती है, तुम उससे सारे काम करवाती हो और पूरे दुकान की लक्ष्मी वही तो है। अगर वही सब करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ, आपके लिए तो मैं बोझ हूँ ना। दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली वड़ा पाव की दुकान आप मुझे दे दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे या फिर मेरे साथ। शिल्पा और लक्ष्मण का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है।
शिल्पा अपने भाई को अपने मायके से बुलाकर अपने परिवार से अलग होकर वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी और इस वजह से शिल्पा की दुकान में कुछ ही ग्राहक आते। लेकिन लक्ष्मण और रीमा अकेले हो गए थे और लक्ष्मण के पास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ कुछ महीने पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान हथिया ली। अपने भाई को बुलाकर उसके साथ व्यापार करके उसने हमें अकेला कर दिया। बेटा, आप चिंता मत कीजिए पापा, क्यों ना हम उल्टा वड़ा पाव बेचे नई दुकान खोलकर। उल्टा वड़ा पाव? उल्टा वड़ा पाव ये कैसे बनता है? ये नए प्रकार का वड़ा पाव है जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग्स की जाती है और फिर उसे बेसन में लपेट कर उसे तला जाता है। एक बार मैंने ये बात माँ से भी कही थी लेकिन उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान पर इसे बेचें। मुझे तुम पर भरोसा है, मैं अभी इस चीज का बंदोबस्त करके कल सुबह से शुरू कर दूंगा। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ, बहुत मजा आएगा, हमारा व्यापार जरूर अच्छा और बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा वड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि रीमा ने उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे रीमा के यहाँ पर आया करते थे उल्टा वड़ा पाव खाने के लिए। दुकान पहले ही दिन से बहुत अच्छी चलने लगी और शिल्पा की वड़ा पाव की दुकान से कोई भी वड़ा पाव नहीं लेता था। अरे रीमा बिटिया, हमें भी उल्टा वड़ा पाव का स्वाद चखाओ। अरे हम भी तो खाकर देखें जरा। जी काका, अभी लाई। उनकी दुकान तो खूब चल रही है और अगर हमारी दुकान ऐसी ही चलती रही तो मुझे फिर से घर जाना होगा। यहाँ मच्छर मारने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँ। लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या ये है तुम्हारे भाई होने का फर्ज? शिल्पा का व्यापार न चलने की वजह से सिद्धार्थ अपने घर चला जाता है और शिल्पा अकेली हो जाती है। ना व्यापार रहा और ना ही घर और ना ही भाई ने मदद की। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी, उसका उल्टा वड़ा पाव का व्यापार खूब चलने लगा। लोग दूर दूर से आते थे उसका उल्टा वड़ा पाव का आनंद लेने के लिए। पिताजी, माँ अब अकेली हो गई है, उन्हें उनकी गलती का एहसास भी हो गया होगा, तो क्यों ना हम उन्हें वापस बुला ले, इससे हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रीमा की बात सुनकर लक्ष्मण ने शिल्पा को माफ कर दिया और उसे घर बुला लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे हमेशा डांटा, काम करवाया, लेकिन तुमने मुझसे इतना प्यार किया, मैं हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, हमारे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही हो। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आखिर हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना। बस अब आप एक शर्त लगाइए कि उल्टा वड़ा पाव आप मुझसे ज्यादा खाकर दिखाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे ज्यादा उल्टा वड़ा पाव खा सकूं। अब देखिएगा आप, हम माँ बेटी मिलकर ऐसा व्यापार करेंगे कि पूरे शहर में ऐसा व्यापार किसी का ना हुआ होगा। और इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी बेटी, अब से मैं सिर्फ तुम्हें तोहफे ही दूंगी, काम काज से बिल्कुल दूर रखूंगी। लक्ष्मण का उल्टा वड़ा पाव का व्यापार खूब अच्छे से चलने लगा, पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। उषा एक गरीब वड़ा पाव वाली थी, उसके पति अपाहिज थे इसलिए वो अपने ठेले पर वड़ा पाव बनाकर बेचा करती थी। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। बहुत कम लोग उसकी आवाज सुनकर उसके पास वड़ा पाव खाने आया करते थे। उषा के बड़े स्वादिष्ट होते थे, वो अक्सर परेशान होकर घर लौटती थी। क्या हुआ, आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई क्या उषा? पता नहीं क्या हो रहा है जी, आजकल लोग वड़ा पाव खा ही नहीं रहे हैं। हाँ, आजकल लोग मैगी, फ्रैंकी, बर्गर, पिज्जा यही सब खाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तुम चिंता मत करो। माँ, तुम कुछ और चीज क्यों नहीं बेचते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे वो सब बनाना नहीं आता जी, मुझे तो बस वड़ा पाव बनाना आता है। तो हमें वड़ा पाव में ही कुछ नया सोचना होगा।
उषा परेशान थी क्योंकि दिन पर दिन उसकी आमदनी घटती जा रही थी। अगली सुबह उषा सुबह जल्दी घर से निकली। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। वो काफी देर तक चिल्ला रही थी पर कोई भी उसके वड़ा पाव के ठेले पर नहीं आया। आज इतनी भीड़ है पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पे नहीं आ रहा। उषा और जोर जोर से आवाज देने लगी। उषा की आवाज सुनकर उसका पुराना ग्राहक उसके पास आया। कितने वड़ा पाव दूं संजय? एक वड़ा पाव देना काकी। आप कब से इतनी आवाज लगा रही हो? कोई वड़ा पाव खरीदने आ ही नहीं रहा, इसलिए मैं आ गया। लगता है अब आपको कुछ नए ढंग से वड़ा पाव बेचना होगा। एकदम नया वड़ा पाव, जैसे रंगीन वड़ा पाव। हाँ, पर क्या ऐसे रंग बिरंगे वड़ा पाव बिकेंगे? हाँ बिल्कुल बिकेंगे, आजकल के लोगों को अजीब और अलग चीजें ही पसंद आती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठेला बंद करने के बाद उषा ने बाजार से फूड कलर ले लिया। शाम को जब वो घर पहुँची। अच्छा, आज धंधा कैसा था? धंधा तो पहले जैसा ही था जी, पर आज मुझे एक नया आइडिया मिला है। मेरा जो पुराना ग्राहक है ना संजय, उसने दिया है। कैसा आइडिया? रंगीन वड़ा पाव का। रंगीन वड़ा पाव? जी, और इसीलिए मैं आते आते रंग लेकर आई हूँ। आज ही बनाकर देखते हैं कि रंगीन वड़ा पाव कैसा लगता है। और फिर उषा ने रंगीन वड़ा पाव बनाना शुरू किया। उसने हमेशा की तरह वड़े का बेसन साना और फिर उसे अलग अलग बर्तन में डालकर उसमें अलग अलग रंग मिला दिए। और फिर आलू की सब्जी को उस रंगीन बेसन से डुबो कर सीधे तेल में छान दिया। दिख तो अच्छा रहा है, एकदम रंग बिरंगा। उषा और राघव ने वो रंगीन वड़े चखे। वैसे अच्छा है। वाह, मुझे भी दो। मानिक ने नीले रंग का वड़ा खाया और उसे अच्छा लगा। तीनों को वो रंगीन वड़े अच्छे लग रहे थे। अगली सुबह उषा ने अपना ठेला खोला और रंगीन वड़े बेचने लगी। गर्मा गर्म वड़े, लाल नीले हरे, रंग बिरंगा वड़ा पाव, रंग बिरंगा। रंग बिरंगे वड़े देखकर ग्राहक उसके ठेले पर खींचे चले आए। मुझे एक नीला वड़ा पाव देना आंटी। उषा ने उस लड़की को नीले रंग का वड़ा पाव दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद संजय वहाँ आया। अरे सच में रंगीन वड़े बना दिया आपने तो। हाँ, तुमने ही तो आइडिया दिया था और देखो सबको पसंद भी आ रहा है। तो इसी बात पे मेरे लिए भी एक रंगीन वड़ा पाव बनाइए। और फिर उषा ने संजय को एक हरा और एक गुलाबी वड़ा पाव दिया। संजय रंग बिरंगे वड़ा पाव देखकर खुश था। वाह, सही में कमाल है, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा वड़ा पाव भी खाऊंगा। संजय ने वड़ा पाव खाया और फिर कई ग्राहक भी आए। बहन जी मुझे एक लाल वड़ा पाव देना। आ, मुझे भी। उषा रंग बिरंगे वड़े बनाने लगी और ग्राहक खाते गए। उषा बीच बीच में आवाज लगाती गई, इससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता गया। गर्मा गर्म वड़े, लाल नीले हरे, रंग बिरंगा वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। कुछ ही घंटों में उषा का सारा वड़ा पाव खत्म हो गया और आज उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। आज बहुत अच्छा धंधा हुआ है, सारे वड़े बिक गए। भाई वाह, क्या बात है। कल से मुझे और बड़े बनाने होंगे, ग्राहकों को रंगीन वड़ा पाव बहुत पसंद है। अच्छी बात है, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ। अगले दिन भी वही हुआ। उषा के आवाज लगाते ही ग्राहक रंगीन वड़ा पाव खाने चले आते और आज बस दो घंटे में ही उषा के सारे रंगीन वड़े खत्म हो गए। रंगीन वड़ा पाव मशहूर हो गया और उषा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। अब उसका परिवार बहुत ही संतुष्ट था। उषा बड़े अस्पताल में राघव का इलाज भी करवा रही थी। अब वो ठेले के बदले एक दुकान में रंगीन वड़ा पाव बेचा करती थी। रोज उषा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती और बगल में ही एक डोसा सेंटर था मोहन का, जिसके ग्राहक उषा के रंगीन वड़ा पाव की दुकान में जाने लगे। अरे ना जाने इस रंगीन वड़ा पाव वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है,
मेरे तो सारे ग्राहक भाग गए। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस दिन जब उषा का ध्यान नहीं था, तब मोहन ने उषा के लाल बेसन में मिर्ची मिला दी। अब भी देखता हूँ लोग कैसे तेरा रंगीन वड़ा पाव पसंद करते हैं। और फिर मोहन अपनी दुकान में चला गया। उषा इस बात से अनजान थी, उसने हमेशा की तरह वड़ा बनाना शुरू किया और अपने कस्टमर को दिया। वाह दीदी वाह, ये तो अलग है, मस्त तीखा लाल और तीखा, मजा आ गया। ये सुनकर उषा ने अपने वड़े का आटा चखा, उसे समझ आ गया कि लाल रंग में मिर्ची मिली है। जरूर किसी ने मिर्ची पाउडर बेसन में मिला दिया है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे ग्राहकों को भी ये पसंद आ गया। रंगीन वड़ा पाव, तीखा लाल वड़ा पाव। और फिर उषा के दुकान के बाहर भीड़ लग गई, सभी को नया लाल तीखा वड़ा पाव खाना था। यो, ये मैंने क्या कर दिया मोहन, हे भगवान मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उषा का तीखा लाल वड़ा पाव भी बिक रहा था, ये देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उषा का अच्छा समय चल रहा था, इसलिए उसका बुरा चाहते हुए भी उसका अच्छा हो रहा था। रेखा अपनी बेटी सानवी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके पति का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। रेखा का अकेले सानवी को लेकर जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन रेखा बीमार हो गई, तो उसकी बेटी सानवी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी माँ इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सानवी काम की तलाश करते करते एक होटल में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक दिन की बात है, ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुँचा क्या? ठीक है साहब, मैं अभी पहुँचा कर आती हूँ। सानवी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुँचती है, तो वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे रघु को बहुत गुस्सा आता है। देख के नहीं चलती, एक पूरी खाने की प्लेट बिगाड़ कर रख दी, काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और दे, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से, मुझे और अपना धंधा चौपट नहीं कराना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मार कर उसे निकाल देता है। सानवी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से तो माँ की दवाई के लिए काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया, अब मैं माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा, धूप तो बहुत तेज हो रही है, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोच कर जा रही थी, रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है, जिसके पैर पर चोट लगी होती है, वह लंगड़ा कर चल रहा होता है और सानवी को देखकर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलो बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में बेहद चोट लगी है, जिसकी वजह से इलाज के लिए भाग रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कुछ पैसे हैं तो वह मुझे ला कर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं, मैं घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, पर कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, देखो ना कितना खून बह रहा है, ये लो पैसे और अपने पैर की चोट की मरहम पट्टी करा लो। सानवी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वह भिखारी बहुत खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी, बहुत नेक लड़की हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला, अगर घर में खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूँगी क्या? बेटा ये तो तुम्हें घर जाकर ही पता चलेगा, तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सानवी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर जाकर जब टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है, वह उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला, मेरे खाने की समस्या दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है तो चलो इसमें आधा मैं अपनी मम्मी के लिए रख देती हूँ
और आधा मैं खुद खा लेती हूँ। सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे ये क्या, इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, अब इसमें दोबारा कहाँ से आ गया? शायद टिफिन में दो वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से थोड़ी देर बाद उस टिफिन को खोलकर देखती है, उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देखकर दंग रह जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ देखो, मैं जितनी बार भी इस टिफिन को खोल रही हूँ मुझे एक वड़ा पाव इसके अंदर मिलता है, ये कैसे हो रहा है? अरे सच में सानवी, ये वड़ा पाव तो जादुई लगता है, जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बहुत खुश होते हैं और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी हमें बहुत ही अच्छी चीज मिली है, ये वड़ा पाव कभी खत्म ना होने वाले हैं। क्यों ना हम ये वड़ा पाव बेचना शुरू कर दे, जिससे हमारे बाकी के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। हाँ माँ आप सही कह रही हो, इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे, क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों में भी बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी उन जादुई वड़ों से गरीब लोगों की मदद करती हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान लगाना भी शुरू कर दिया था। वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर का खर्च भी चलाते थे और दूसरों की मदद भी किया करते थे। देखो ना सानवी, हमारे दिन फिर बदल गए, इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं, अब हमें कोई दुख नहीं है। तभी एक आदमी वहाँ भागा भागा आता है तो सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? अरे गांव के पास जो बांध था वो टूटने वाला है, पूरा गांव खाली करने का आदेश आया है, अगर वो बांध टूट गया तो पूरा गांव का गांव उस बांध के रुके पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचा कर भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई, गांव खतरे में है, चलो सानवी हम भी पास के गांव में चलते हैं। नहीं माँ आप रुको, उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, इसने जब हमारे सारे दिन ठीक किए हैं तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव तुमने हमेशा हमारी मदद की है, अब इस गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम इस बांध को टूटने मत देना, कुछ भी करो इस पानी का रुख इस गांव की तरफ ना हो पाए, जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की ओर जाता है और अपना आकार बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव गांव की तरफ ना आकर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब गांव वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया करके उसे बधाई देते हैं। सानवी तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, तुमने गांव को बहने से बचा लिया, हम सबको तुझ पर गर्व है। सभी गांव वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव की सहायता से सबकी मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी बेंगलोर की है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर्स के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही अच्छा था, वो अपने बर्गर्स में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियाँ, अच्छे आलू, अच्छा तेल और अच्छे क्वालिटी के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था, वो सड़ी गली सब्जियाँ, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर्स 50 रुपए के थे, पर फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर्स बिका करते थे। देखो भाई, तुम हमेशा बोलते हो ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता, ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी अच्छाई के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस दिन हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। अरे बाप रे, आज तो बर्गर्स बिके ही नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? ये बर्गर्स वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए। रास्ते में उसे जितने गरीब दिखते वो उन सबको एक एक बर्गर देता गया। थैंक यू माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सारे गरीब हेनरी को आशीर्वाद दे रहे थे।
आगे चलकर एक सुनसान सड़क पर हेनरी को एक छोटी बच्ची दिखी। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर दे दिया। थैंक यू अंकल, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चों का बर्थडे होगा? नहीं बेटा, आज किसी का बर्थडे नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें खाना खिला रहे हैं? बेटा मेरी बर्गर स्टॉल है, आज काफी बर्गर बिके नहीं तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। अच्छा किया अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, होप सो। उदास मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था कि वो बच्ची एक परी में बदल गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये सच है या सपना है? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपने गरीबों का भला सोचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने तीन मसाले के डिब्बे आ गए। ये तीन जादुई मसाले हैं, आप अपने बर्गर में ये मसाला डालिए, फिर आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। थैंक यू। और फिक्र मत करिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खाली नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए सर, अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो तीन डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसालों के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो तीनों जादुई मसाले मिक्स कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर लिए। इन बर्गर्स की खुशबू हर जगह फैल गई। आने जाने वाले लोग इसी खुशबू से खिंचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पे भीड़ लगने लगी और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स बिक गए। ये देखकर जैक चल भुन गया। अरे ये हेनरी ने क्या गड़बड़ की है, आज सारे लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर्स बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों से बर्गर बनाता हूँ, वो भी जादुई मसाले डालकर। जादुई मसाला? तुम नहीं समझोगे। हेनरी का बर्गर स्टॉल अच्छा चल रहा था, ये जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था, उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग हेनरी के बर्गर ही खा रहे थे। एक दिन जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा, इसीलिए जैक हेनरी की गैर हाजिरी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यहीं कहीं होगा जादुई मसाला। जैक को वो तीन जादुई मसालों के डिब्बे दिखे, पर जैसे ही जैक ने उन मसालों की डिब्बियों को हाथ लगाया तो सारे मसाले उसकी आंख में उड़ गए। मसालों की मिर्ची से जैक यहाँ वहाँ भागने लगा। उस दिन के बाद फिर कभी जैक ने तीन जादुई मसालों को छीनने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक बड़ा बर्गर जॉइंट बन चुका था और अब भी उसके बर्गर्स की खुशबू कस्टमर्स को आकर्षित कर रही थी। हेनरी हर रात बर्गर जॉइंट बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाया करता था। सर, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के लिए। पर क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज ये सारे बर्गर्स अपने हाथ से गरीबों में बांटा करता था। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। हेनरी गरीबों को बर्गर्स बांटकर खुद ही थैंक यू बोला करता था और स्माइल करता था, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी के तीन जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर्स नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।